क्या राइटर्स को बदलनी पड़ेगी कहानी? क्यों कोई अपडेट मूवी को लेकर बाहर नहीं आ रही है? आमिर खान की अपकमिंग मूवी पीके अगेन को लेकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड है और काफी लंबे टाइम से पीके अगेन का वेट कर रही है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं, काफी लंबे टाइम से फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया, तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसी रीजन का बताऊंगी जिसके कारण ये फिल्म के अपडेट रुके हुए हैं। और मैंने अपनी पिछली पीके वाली वीडियो में बताया था कि जग्गो और सरफराज शादी के बाद बेल्जियम शिफ्ट हो चुके हैं और पीके अपने मिशन के लिए धरती पर वापस आया है, पर इस बार वो अकेला नहीं अपने दोस्त आरके को लेकर आया है। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्यारे लीड सुशांत सिंह राजपूत सर इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने पीके में सरफराज का कैरेक्टर प्ले किया था, इसलिए मेकर्स को कहानी नए सिरे से सोचनी पड़ रही है। इसलिए अब तक कोई और अपडेट लेकर सामने नहीं आया। और अब इसके अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से अभी तक पीके अगेन को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है, और वो रीजन कोई और नहीं बल्कि है आमिर खान और अनुष्का शर्मा का अपना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में बिजी हो जाना। जैसा कि आप सब जानते हैं, आमिर खान अपनी अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा में बिजी हैं, और लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की कमबैक मूवी है। आमिर खान की लास्ट रिलीज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत बुरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, इसलिए आमिर अपना पूरा फोकस लाल सिंह चड्ढा पर लगाए हुए हैं। अब इसी वजह से आमिर ने पीके अगेन को होल्ड पर रखा हुआ है। पर जो कहानी मैंने आपको पीके अगेन के बारे में बताई थी, जो कि पिछले वीडियो में थी, वही कहानी आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिल सकती है, या फिर मेकर्स सुशांत सिंह राजपूत सर की डेथ की वजह से इस कहानी में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत में बताया था, जग्गू और सरफराज शादी के बाद बेल्जियम शिफ्ट हो गए हैं और पीके अपने दोस्त आरके के साथ रिसर्च के लिए धरती पर आया है। और रिसर्च पूरी होने के बाद जब पीके और आरके को वापस अपने स्पेसशिप के पास जाना होता है, पर आरके स्पेसशिप के पास टाइम रहते नहीं पहुंच पाते, इसलिए पीके को अकेले ही अपने प्लैनेट पर वापस जाना पड़ता है। पर कुछ टाइम बाद पीके आरके को ढूंढने वापस आता है, तब उसे आरके की मुलाकात और मौत दोनों एक साथ हो जाती है। अब जब आरके की मौत की इंक्वायरी करने पीके पुलिस स्टेशन जाता है, तब वहां पर उसे जग्गू मिलती है, जो कि एक स्टोरी कवर करने इंडिया वापस आई है। जग्गू पीके को वापस देखकर काफी खुश हो जाती है और पीके भी जग्गू को वापस देखकर खुश हो जाता है। तब जग्गू पूछती है पीके को, तुम वापस धरती पर क्या कर रहे हो? तब पीके बताता है कि उसका दोस्त आरके की डेथ न्यूज़पेपर में आई है, जो धरती पर उसके साथ रिसर्च करने के लिए आया था, पर टाइम पर स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाने के कारण उसे धरती पर ही छोड़कर जाना पड़ा। अभी मैं धरती पर उसे ढूंढने आया हूं, और तब मुझे ये न्यूज़पेपर में मिला जिसमें आरके की मौत की खबर छपी हुई है। पीके जग्गू की बात सुनकर इंस्पेक्टर को बताती है कि आरके की मौत ब्रिज के गिरने की वजह से हुई है। अब ये सुनकर पीके बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर और पीके के बीच में बहस होती है, और बहस आगे ना बढ़े इसलिए जग्गू पीके को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचकर जग्गू पीके से पूछती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि पुलिस तुम्हारे दोस्त के बारे में झूठ बोल रहा है? तब पीके जग्गू को बताता है कि हमारे प्लैनेट पर 100 साल से पहले कोई नहीं मरता, 100 साल के बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी गायब हो जाती है, इसलिए मुझे पता है कि पुलिस वाला झूठ बोल रहा है। पूरी बात सुनकर जग्गू पीके को बोलती है कि तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस करना होगा, तभी तुम्हें अपना दोस्त आरके मिल पाएगा। जग्गू की बात को मान लेता है पीके। अब जो पीके है वो जग्गू से पूछता है कि कोर्ट में केस कैसे किया जाता है। तब जग्गू बताती है कोर्ट में केस करने के लिए वकील हायर करना पड़ता है। तब पीके बोलता है तो मैं किसी वकील को नहीं जानता, तो मैं कोर्ट में केस कैसे करवाऊंगा? तब जग्गू पीके को बताती है कि उसकी फ्रेंड श्रुति एडवोकेट है, यानी कि एक वकील है, अब वो हमारा केस लड़ सकती है। इसके बाद जग्गू पीके को श्रुति से मिलाने ले जाती है। सारी बात सुनने के बाद श्रुति पीके का केस लड़ने को रेडी तो हो जाती है और कोर्ट में याचिका दायर करवा देती है, पर कोर्ट पहले याचिका खारिज कर देता है। पर जब श्रुति दोबारा कानूनी गांव के पेज को यूज करती है, तो ये याचिका दायर करती है, और तब कोर्ट उस याचिका को एक्सेप्ट कर लेता है।
और ये खबर पूरे देश में फैल जाती है कि कोर्ट ने एक एलियन का केस एक्सेप्ट कर लिया है। सुनवाई वाले दिन जब जज पीके से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे कह सकते हो कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो तुम्हारे दोस्त के बारे में और जो पुलिस के बारे में जो बोल रहे हो वो सब झूठ और सच, हमें कैसे यकीन होगा। तब पीके बताता है कि हमारे प्लैनेट पर 100 साल से पहले कोई नहीं मरता, 100 साल बाद जो हमारी बॉडी है वो खुद ही ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो जब ये सुनकर कोर्ट ने पीके को पूछा, ये 100 साल वाली बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई, तब पीके कोर्ट को बताता है कि मैं यहाँ पर जिन लोगों से भी आरके के बारे में पूछ रहा हूँ तब सभी ने मुझे एक बात बोली, ज्यादा जानकारी चाहिए तो कोर्ट में जाकर केस करो। इसलिए मैंने कोर्ट में केस किया। और आगे पीके कोर्ट में बोलता है कि आप मुझे मेरा दोस्त आरके को ढूंढ कर दे दीजिए। कोर्ट पीके की बात सुनकर आरके को ढूंढने का आदेश दे देती है। कोर्ट पीके की बात सुनकर जब आदेश दे तो देती है, पर जब तक आरके मिल नहीं जाता कोर्ट को स्थगित कर दिया जाता है। अब पुलिस आरके को ढूंढने नहीं लग जाती। तभी पुलिस को एक लीड मिलता है जहां में आरके के बारे में उन्हें थोड़ा आइडिया लगता है, और उस लीड को फॉलो करते हुए पुलिस एक साइंटिस्ट के घर पहुंच जाती है जहां उन्हें आरके मिल जाता है। पुलिस उस साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में साइंटिस्ट बताता है कि मुझे आरके कॉलेज में मिला था, जहां वो अपनी रिसर्च के लिए आया था, तब मैं आरके को लेकर अपने घर आ गया और वहां उसे पकड़कर उसके बारे में और दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, और मैंने इसलिए आरके की मौत की अफवाह फैलाई ताकि मुझे आरके के बारे में जानने के लिए टाइम मिल सके। साइंटिस्ट की बात सुनाने के बाद कोर्ट आरके को वापस पीके को दे देती है। इस तरीके से जग्गू की मदद से वापस पीके को अपना दोस्त मिल जाता है और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।